स्वराज केंद्र हमारी पार्टी का दफ्तर नहीं है, ये जनता जनता के दुख को दूर करने, जनता की समस्याओं का निवारण करने के लिए केंद्र है जो हर वार्ड में हम खोल रहे हैं, ताकि हमने जनता से जो वायदा किया था कि जीते या हारे हम अपनी जनता की सेवा का काम जारी रखेंगे, तो अगले 5 साल तक हम जनता की सेवा करेंगे उसके लिए। कल गोरखपुर से भी एक त्रासदी की घटना सामने आई है जहाँ पर 71 बच्चों की मौत हो गई है और उस पर स्वास्थ्य मंत्री का कहना है कि अगस्त में बच्चे मरते हैं, उस पर आपका क्या कहना है? इतनी असंवेदनशील हो सकती है सरकार, इसका नमूना है। सच है, इससे कोई इंकार नहीं कर सकता कि अस्पताल में ऑक्सीजन नहीं थी। ऑक्सीजन इसलिए नहीं थी कि बिल नहीं दिया गया, बावजूद इसके कि कंपनी ने बार बार चिट्ठियां लिख के इनको बोला था कि दे दो नहीं तो हमें बंद करना पड़ेगा। इस सब के बाद स्वास्थ्य मंत्री एक तो चोरी ऊपर से सीना जोड़ी, ये शोभा नहीं देता है। कैसी संवेदनशीलता, ये कैसा लोकतंत्र है? इतनी बड़ी बड़ी बातें, सबका साथ सबका विकास, अरे विकास मत करो, ऑक्सीजन तो दे दो। ऑक्सीजन की बात आई, उनका कहना है कि वो 15 अगस्त को मदरसों में जगह जगह वीडियोग्राफी कराएंगे कि हम देखना चाहते हैं कि मुसलमान जो है वो भारत माता की जय बोलते हैं या झंडा फहराते हैं या नहीं, उस पर आपको देखना। एक बड़ा देश तभी बन सकता है जब उसमें राष्ट्रवाद का सर्टिफिकेट बांटना बंद कर। ये लोग जो राष्ट्रवाद का सर्टिफिकेट दूसरों को बांटना चाहते हैं, पहले खुद अपना राष्ट्रवाद देखें। जिन लोगों ने इस देश की आज़ादी में एक कतरा खून नहीं बहा, वो दूसरों को राष्ट्रवाद का सर्टिफिकेट बांटते हैं, इससे बड़ा पाखंड क्या हो सकता है? शुक्रिया। ये थे हमारे साथ योगेंद्र यादव जी, जिन्होंने अपनी पार्टी का किस तरीके से बूथ लेवल पर तैयारी कर रहे हैं वो हमें बताया।